अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या होगा के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज की टॉप स्टोरीज, नवंबर में बड़ी तब्दीली, इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह तैयार। आज की पहली और अहम स्टोरी, नवंबर में हो रही हैं बहुत बड़ी तब्दीलियां और उन तब्दीलियों के तहत अगर देखा जाए तो इमरान खान एक बयानिया बारहा दफा दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी बेसिकली बैरूनी साजिश के तहत हो रही है और वो इस बात पर बाजिद भी नजर आ रहे हैं। जबकि आपको बताती चलूं कि दूसरी ही जानब बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे लैंडमार्क एग्रीमेंट्स हो चुके हैं जिसके तहत हम उनके मुजरम उनको वापस कर देंगे। माजी में अगर जाकर देखें तो ये वही इमरान खान हैं जब मुल्क के साबिक वजीर आजम इलाज के बहाने बरतानिया मुंतकिल होते हैं तो उसके फौरन बाद इमरान खान ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि नवाज शरीफ को वतन वापस ला कर रहूंगा चाहे मुझे खुद ही बरतानिया क्यों ना जाना पड़े। यही वजह रही कि बरतानिया के साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन को भी वो राबता करते हुए नजर आते हैं कि आप इस मामले में हमारी मदद करें। आज जब नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो इमरान खान इस बयानिये को बैरूनी साजिश का नाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी इस बात को जाहिर करती है कि अब सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी ताकि दोनों हरीफ आमने सामने आ जाएं और दोनों हरीफ मुकाबले पे आखिर लड़ें। और आपको बताती चलूं कि जराई ने यह भी बताया है कि प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर की बजाय इस्लामाबाद लैंड करेंगे और लैंड होने के फौरन बाद उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा क्योंकि वो तो बीमार हैं। और इसी तमाम अरसे के अंदर उनके तमाम वकला और उनकी तमाम लीगल टीम जो है उनके केसेस को कलदम करार देने में कामयाब हो जाएगी। आज की दूसरी और अहम खबर, इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह तैयार। नाज़रीन, हमने ये देखा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद जिस तरह का बयानिया रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह से रवैया देखने को नजर आ रहा है वो काफी अजीब नजर आता है। अगर बात की जाती है इस गिरफ्तारी के हवाले से तो शहबाज गिल की एक मुबैना वीडियो सामने आती है जिसमें उनकी हालत इंतहाई ख़राब बताई जा रही है और दूसरी ही जाने पर तमाम वर्कर्स को एहतजाज की कॉल भी दी जाती है। एक तरफ इमरान खान जो कहते हैं कि उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है, दूसरी जाने पर पंजाब हुकूमत ये बात कहती है कि उन पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके कुछ ही टाइम बाद इस बयान को तब्दील कर दिया जाता है। एक तरफ पे शहबाज गिल जिन्हें इदारों की तरफ से रोका गया था और कई दफा शटअप कॉल भी दी थी कि डॉक्टर साहब आप कतन हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले वाकये के बाद और उस पे तमाम होने वाले बयानात इसके बाद हम ये देखते हैं कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि शहबाज गिल के हवाले से इमरान खान इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। एक तरफ पर अपने जलसों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये बयानिया हमारी पार्टी का नहीं है, फवाद चौधरी भी ये बात कहते हैं और सेनेटर फैसल जावेद भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ये बयानिया हमारा नहीं है, ये डॉक्टर साहब का अपना बयानिया है। लेकिन बेचैनी क्यों पाई जा रही है? नाज़रीन आपको बताती चलूँ, असल बेचैनी इस बात की है कि शहबाज गिल के पास वो तमाम इंफॉर्मेशन है जिसके तहत इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस तैयार किया जाएगा और वह बगावत और गद्दारी पर मबनी होगा। जराए ने यह भी बताया है कि उनसे तफ्तीश के दौरान ये पूछा गया है कि आपको ये तमाम बातें करने के लिए कौन उकसाता रहा है या इन बातों के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और ये वो तमाम बातें हैं कि जिनके पीछे खुद इमरान खान खड़े नजर आ रहे हैं। यही वजह है इमरान खान काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं। जराए ने यह बताया है कि दौरान तफ्तीश अफसरान ने उनसे यह पूछा है कि बताइए डॉक्टर साहब, ये तमाम तर मालूमात आपको कौन देता रहा है और इस किसके उकसाने पर आप तमाम चीज़ें फॉरवर्ड करते रहे हैं। नाज़रीन, ज़राए ने एक बड़ी अहम खबर ये भी दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 11 अरकान जो हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इस हवाले से समरी जो है वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून को फॉरवर्ड कर दी गई है। आपको बताती चलूँ कि उस लिस्ट के अंदर साबिक डिप्टी स्पीकर असेंबली और स्पीकर असेंबली भी शामिल हैं, असद कैसर और कासिम सूरी का नाम भी शामिल है। चार नए अकाउंट सामने आए हैं और इन चार नए अकाउंट्स की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर दस्तखत इमरान खान के पाए जाते हैं। यही वजह है कि आज इमरान खान अपने पार्टी के अरकान का हौसला बढ़ा रहे हैं, मतलब ये कि वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपकी बैक पर आपके साथ ज़रूर रहूँगा, आवाम भी आपके साथ रहेगी, लेकिन मेरा नाम कहीं ना लिया जाए।
नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि माजी में भी अगर देखा जाए तो वादा मुआफ़ गवाह की काफ़ी अहमियत रही है। यही वजह है कि मुल्क एक नामवर सियासतदान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इसी बात पर फांसी दी गई थी। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा प्रोग्राम क्या होगा।